हेलो फ्रेंड्स, तो ये चार्जर सर्किट के दो वीडियो हमने देखे। मैं जानबूझ के थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, क्योंकि हमने पहले जो सर्किट देखी थी और इसके बाद की सर्किट, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और बहुत सारे पेज पे हमें घूमना पड़ रहा है। तो मैं ये चाहता था कि आपको थोड़ा वर्कआउट करने का मौका मिल जाए, आप देख लो अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं इसको धीरे धीरे ले रहा था, लेकिन आज इसके बाद की जितनी भी पिन है वो मैं आज पूरा कर दूंगा, ये वीडियो ख़त्म कर दूंगा पूरा। तो ध्यान से बैठिए आप और बुक और पेन लेके बैठिए, ताकि आपको जो भी लिखना है आप लिख लीजिए, क्योंकि अभी जो सारी पिन हम समझेंगे वो सारी कंट्रोलिंग पिन है। तो दोस्तों, MTK फ़ोन है, ये MTK CPU है। तो इसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया था कि MTK का कोई भी फ़ोन होगा उसके अंदर VCDT और चार्ज LDO तो कंपलसरी होगा ही होगा, क्योंकि वो हमारी मेन सप्लाई है जो वीबस में से जाती है, तो वो हमें समझनी है। तो यहाँ पे हमने जितनी पिनें समझी थी उसके बारे में पहले देख लेते हैं। हमने वीबस की लाइन समझी थी, PMID समझी थी, स्विचिंग वोल्टेज समझे थे, बूट समझा था, ग्राउंड वाली पिनें हमने देखी, करंट सेंस देखा, करंट सेंस आउट देखा। इसके अलावा हमारी अब जो बाकी पिनें हैं वो VREF है, CD है, OTG है, स्टेटस है, SDA और SCL है। तो इतनी लाइनें हमारे पास है, तो इतनी लाइनें आज हमें समझनी है इस वीडियो में। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा और लंबा हो जाए, लेकिन आज मैं पूरा ही कर दूंगा इसको, क्योंकि अभी इसको हाफ नहीं रखना है मुझे। तो इस चीज़ के इसके अंदर हमने जो देखा था, मैंने आपको बताया जैसे कि जो भी MediaTek CPU होगा या MediaTek का पावर IC होगा उसके अंदर VCDT और चार्ज LDO कंपलसरी होगा। तो अब हम पहले VCDT और चार्ज LDO कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद ये जितनी पिनें बची है उसको हम देख लेते हैं आज। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं VCDT और फिर हम देते हैं एंटर। तो ये हमें कहाँ लेके जा रहा है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे VCDT रेटिंग हमें कुछ दिखाया है, तो यहाँ पे VCDT का लाइन नहीं दिख रहा है, हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आ रहा, ये आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे है ये VBUS की लाइन के अंदर से दो रजिस्टर रखे हुए हैं, ये चार्ज LDO की लाइन है और VCDT यहाँ पे है। ये VBUS की लाइन है, उसके अंदर एक 330 किलो का रजिस्टर है और यहाँ पे 39 किलो का है। देखिए सेम वैल्यू है, VCDT के रजिस्टर की सेम वैल्यू है। तो एक भाई ने मुझसे पूछा था कि R1 कौन सा गिनना और R2, तो मैंने वो रजिस्टर में हालांकि बता चुका हूँ, लेकिन जब भी आप डिवाइडर सर्किट का कैलकुलेशन करें तो जहाँ से हमारा वोल्टेज इन होता है वो पहला रजिस्टर जो होता है वो होता है हमेशा R1 और दूसरा वाला होता है वो हमेशा R2 होता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और जो मैंने पुराने वीडियो जो है, मतलब अपने जो पहले के वीडियो डाले हैं, मैं आपको लगातार बार बार यही कह रहा हूँ कि उन वीडियो को आप अच्छे से देखोगे नहीं तो आपको आगे दिक्कतें आएगी, ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने उस पर गौर नहीं किया है। और एक बार देखने में शायद कई बार पूरा वीडियो समझ में नहीं आता है, तो उसको दो बार देखिए, तीन बार देखिए, जब तक आपको पूरा उसका समझ में ना आ जाए। क्योंकि एक एक मैं मेरी थोड़ी स्पीड भी ज़्यादा है, मैं कभी कभी बहुत फास्ट बोल देता हूँ, तो ये प्रॉब्लम रहती है लोगों को। लेकिन आप रिपीट करके देख सकते हो, आपके पास इतना टाइम होता है कि आप देख लीजिए उसको, अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पे VBUS की लाइन में से दो रजिस्टर लेके वो लाइन गई गई है यहाँ पे हमारी VCDT की लाइन में, जो है T11 नंबर की पिन पे, और ये जाती है हमारी कौन से IC के अंदर, हम देख लेते हैं। ये हमारी पावर IC है MT6357, जिसके अंदर ये हमारी लाइन जाती है VCDT की। तो हम देख लेते हैं ये VCDT की लाइन में क्या क्या आता है और क्या हमें करना है। तो हमें यहाँ पे एक रजिस्टर बनाया है 330 किलो का, और एक रजिस्टर हमें ग्राउंड करना है जो 39 किलो का है, और फिर वो जाएगी T11 नंबर पे। तो इतना पहले हम बना लेते हैं, तो सर्किट के अंदर पहले इतना ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे VBUS की लाइन में यहाँ से ही निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं निकालूंगा तो निकालने की जगह नहीं है हमारे पास, तो यहाँ से ही मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये सारी लाइन VBUS की है। VBUS की लाइन में से आप कहीं से भी, ये आपको समझने के लिए ड्रॉ करना है, तो आप कहीं भी बना सकते हो, मतलब में VBUS की लाइन होनी चाहिए और कहीं नहीं चलेगा। तो VBUS की लाइन पे हमने एक 330 किलो का रजिस्टर लगाया, एक रजिस्टर दूसरा लगाया 39 किलो का, जिसको हमने ग्राउंड कर दिया, और दोनों रजिस्टर के बीच में से, मैंने यहाँ पे जानबूझ के सीधे रजिस्टर नहीं लिए हैं, क्योंकि आपके दिमाग में अगर दोनों सर्किट आप दिमाग में बिठा के रखो, ऐसा सीधा सीधा रजिस्टर लगा के यहाँ से लाइन निकाल के यहाँ भी ले सकते हैं हम, लेकिन मैंने सीधी लाइन ले ली है और ये रजिस्टर को मैंने बीच में से ग्राउंड कर दिया है। तो बात तो वही हुई, अगर ये रजिस्टर ऐसे है या अगर ऐसे सीधा सीधा होता और फिर यहाँ से हम इसको लेते और यहाँ पे हम ग्राउंड कर देते तो भी चलता। कहने का मतलब दोनों रजिस्टर के बीच में से लाइन हमारी आनी चाहिए पावर IC के अंदर। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि VCDT की हमारी लाइन है।
तो जो हमने फॉल्ट फाइंडिंग देखे थे उसमें सबसे पहला फॉल्ट ये है कि अगर हमारा वीबस का सप्लाई हमें ओके करना है तो या हम ये कैपेसिटर पर चेक कर लेते हैं तो हमारी आईसी तक की सप्लाई ओके है, हमें संभाल सकते हैं। उसके अलावा पीएमआईडी हमारा 5 वोल्टेज यहाँ पे निकलेगा जो हमारा फर्स्ट टीपी है। इसके बाद यहाँ पे स्विचिंग वोल्टेज निकलेगा जो मैंने आपको बताया, तो स्विचिंग वोल्टेज जो हमारा निकलेगा वो 4.2 वोल्टेज निकलेगा क्योंकि यहाँ से जो निकलेगा वो रेगुलेटर के बाद की सप्लाई है तो वो हमारी बैटरी के मुताबिक निकलेगी, मतलब मैक्सिमम 4.2 वोल्टेज निकलेगा और बैटरी जितनी होगी उसके हिसाब से निकलेगा। और बूस्टर कॉयल और बक कॉयल मैंने आपको बताया था कि दोनों सेम ही होता है, फर्क कहाँ होता है ये वाली सर्किट में, यानी यहाँ पे जो मॉस्फेट लगाए हैं वो किस तरह से लगाए हैं उसके हिसाब से ये बूस्ट का काम करेगा या बक का काम करेगा, ये अंदर की सर्किट पे डिपेंड है। बाकी इंडक्टर या जिसको हम बक कॉयल या बूस्टर कॉयल बोलते हैं वो हमेशा सेम ही होती है। उसके बाद हमने ग्राउंड की लाइन देखी की थी जो D1 D2 D3 पे थी, उसके बाद हमने देखा ये वाली लाइन में हम आगे बढ़े जो करंट सेंस इन की लाइन एक अंदर आई चार्जिंग आईसी के अंदर और एक लाइन गई पावर आईसी के अंदर, बीच में एक रजिस्टर रखा गया था, ये हमारा करंट सेंस रजिस्टर है दोस्तों जो कि 0.56 का है यानी कि 56 मिली ओम्स का है। तो ये एक करंट सेंस रजिस्टर जो हर फोन के अंदर होता ही है, उसके बाद की जो लाइन निकली थी वो करंट सेंस आउट की जो एक चार्जिंग आईसी में गई और दूसरी गई पावर आईसी में, उसके बीच में भी दो कैपेसिटर थे, वो एक कैपेसिटर था हमने वो रख दिया। उसके बाद की लाइन हमारी गई वीबेट पे जिसमें कुछ डायोड और कुछ कैपेसिटर थे, उसके बाद हमने देखा ये VCDT का लाइन। तो करंट सेंस की लाइन में अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी तो आपका स्लो चार्जिंग या फेक चार्जिंग का इश्यू आ सकता है, तो यहाँ पे आपका इश्यू हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी बक कॉयल ख़राब हो गई होगी तो ऐसी कंडीशन में भी आपका वोल्टेज प्रॉपर नहीं निकलेगा, एम्पियर प्रॉपर नहीं निकलेगा, तो आपका स्लो चार्जिंग होगा, तो ये एक दिक्कत आपके फ़ोन में आ सकती है बूस्टर कॉयल या बक कॉयल को लेके, और करंट सेंस रजिस्टर के अंदर भी आ सकती है। दोस्तों चार्जिंग का फॉल्ट अगर आप रिपेयर करते हो तो आपको मैं बता दूं कि अभी के जितने भी फ़ोन आते हैं उसके अंदर हमेशा स्विचिंग सप्लाई का यूज़ किया गया है, यानी कि एम्पियर लेवल को बढ़ाया गया है क्योंकि फास्ट चार्जिंग करना है हमें। तो ये सब सर्किट के अंदर अगर हमें ट्रेसिंग करना है तो एक USB स्मार्ट चार्जर आता है जो 6 जिसके अंदर पोर्ट लगे रहते हैं, सनशाइन या कोई और कंपनी के आते हैं 2-3 कंपनी के, तो उसमें से आप चार्जिंग के लिए हमेशा वही यूज़ करें। तो उसका यूज़ करके हम आगे कैसे कैसे सप्लाई में फॉल्ट हम पकड़ेंगे, क्योंकि डेड मोबाइल में भी वो हमें बहुत काम लगेगा। मैं जो आपको बताऊंगा डेड मोबाइल में तो उसमें आपका फ़ोन कितना एम्पियर ले रहा है, क्योंकि उसमें एम्पियर लेवल दिखता है, क्योंकि चार्जर जब हम लगाते हैं ऐसी जो भी स्विचिंग सर्किट वाली जो चार्जर सर्किट होगी जिसके अंदर हम जब चार्जर लगाते हैं और उस USB जो मल्टीपोर्ट वाला जो चार्जर आता है उसके अंदर हम देखेंगे तो हमारा फ़ोन 0.6 एम्पियर से स्टार्ट होता है, यानी हमारा जो फर्स्ट चेज होगा चार्जिंग का वो 0.6 एम्पियर होगा। उसके बाद वो बढ़ेगा यानी कि 0.9 लेगा या 1 एम्पियर लेगा, फिर 1.2 लेगा, 1.5 लेगा, 1.8 लेगा और 2 एम्पियर तक लेता है वो। और आजकल के फ़ोन में ऐसी भी सर्किटें आई है जिसके अंदर 9 वोल्ट लेगा आपका और आउटपुट में 2-3 एम्पियर ले लेगा वो, तो वो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कितना एम्पियर ले रहा है, तो चार्जिंग सर्किट में कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये फॉल्ट फाइंडिंग सारे हम आगे देखेंगे जब हमारा फॉल्ट फाइंडिंग का सेक्शन चलेगा, तब ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें कैसे उसको फाइंड करना है। तो हो सके तो एक वो USB चार्जर आप रखिए क्योंकि वो बहुत काम की चीज़ है और उससे कई सारे फॉल्ट हम पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा फ़ोन 0.6 वोल्टेज ही ले रहा है तो बहुत स्लो चार्जिंग होगा या फेक चार्जिंग होगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा। बाकी नॉर्मल चार्जर के अंदर हमें क्या इंडिकेशन दिखता है तो हमें पता नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं, तो ये सब चीज़ों के लिए स्मार्ट चार्जर की ज़रूरत होती है। तो एक स्मार्ट चार्जर का आप यूज़ करिए तो उससे आपको कई फॉल्ट में आसानी रहेगी। अब ये VCDT की लाइन हमने समझ ली, इसके बाद हम समझते हैं चार्ज LDO की लाइन। तो चार्ज LDO की लाइन उसके बिल्कुल बगल में है, तो यहाँ पे एक VBUS की लाइन जा रही है जो कि एक 1.5 किलो का यहाँ पे लगाया हुआ है, 1.5 किलो का एक रजिस्टर लगाया है। मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि 1 किलो से लेकर 10 किलो तक का कोई भी वैल्यू का रजिस्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए अगर इस तरह की आईसी है तो यहाँ पे 1.5 किलो का रजिस्टर होता है, 7.5 किलो का रजिस्टर आप लेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज में गड़बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आप रजिस्टर लो तो 1.5 का ही ट्राई करो, क्योंकि ऐसी जो भी सर्किट होगी जो स्विचिंग चार्जर सर्किट हमने जो समझी अभी उसके अंदर जो रजिस्टर यहाँ पे यूज़ होता है 1.5K का होता है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है जो 1 माइक्रोफेराडे का है, और यही लाइन हमारी जाती है चार्ज LDO यानी कि R11 नंबर की पिन पे जो कि पावर आईसी के अंदर जाएगी चार LDO। तो ये एक हम लाइन पहले बना लेते हैं, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं चार्ज LDO, तो उसकी लाइन भी मैं यहाँ से VBUS में से ही ले लेता हूँ
क्योंकि VBUS में से ही उसकी लाइन निकलती है चार्ज LDO की, जिसमें एक रजिस्टर लगा है 1.5 के का और एक कैपेसिटर लगा है 1 माइक्रोफेराड़े का, और वो जाएगा पावर आईसी के अंदर MT6357 में, जो कि R11 नंबर के डॉट पे जाएगा, यानी कि R11 नंबर के बॉल पे जाएगा। तो यहाँ तक कि हमने पिने समझ ली दोस्तों, अब हम समझते हैं आगे की सर्किट। तो आगे की सर्किट के लिए हम डायग्राम में वापस जाते हैं, तो इसके लिए हमें फिर से चार्जर सर्किट पर जाना है। तो MTK का अगर ये फ़ोन है तो आपको इस तरह से चार्ज LDO और VCDT तो हमेशा पहले ही चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आपका चार्जर इंडिकेटिंग शो नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद आप IC पे जाएं, तो चार्ज LDO और VCDT हमेशा पहले चेक कर ले अगर आपका चार्जिंग कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है उस कंडीशन में MTK फ़ोन के अंदर। बाकी दूसरे फ़ोन के अंदर दूसरा सिस्टम रहेगा, सैमसंग वाले में या क्वालकॉम वाले में उसका सिस्टम थोड़ा अलग रहता है, वो जब उसका सेक्शन चलेगा तब मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन MTK के लिए आपको ये फंडा हमेशा याद रखना है कि आपका चार्जर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, यानी कि चार्जिंग लगाने के बाद आपको कोई इंडिकेशन शो नहीं कर रहा है, या चार्जिंग की बेसिक एरर दे रहा है, या चार्जिंग प्रॉपरली नॉट कनेक्टेड, या चार्जिंग नॉट सपोर्टेड, ऐसा कोई भी एरर दे रहा है, तो आप पहले VCDT चार्ज LDO दोनों चेक कर लीजिए, इसमें यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, उसके बाद आप दूसरा सब कुछ चेक करें। तो ये एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद की लाइन हम देखते हैं, तो सॉरी हम पहले इसमें ही जाते हैं, हमारी जो चार्जिंग IC है उसको ही हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम फिर से टाइप कर देते हैं PMID, तो PMID टाइप करेंगे तो हम चार्जर सर्किट पे वापस पहुँच जाएंगे। तो हम यही लाइन चेक कर रहे थे, लेकिन बीच में ये एक लाइन चेक करना ज़रूरी था, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे ले गया। तो VCDT और चार्ज LDO हमने समझ लिया, तो यहाँ पे हमने जितनी पिने समझी उसमें VBUS, PMID, स्विचिंग, बूट, PGND, करंट सेंसिंग, करंट सेंट आउट। उसके बाद की जो पिन है वो है VREF। VREF का मतलब होता है रेफरेंस वोल्टेज, VREF यानी कि वोल्टेज ऑफ रेफरेंस। तो ये VREF का जो वोल्टेज होता है, इस तरह की आप स्विचिंग चार्जर IC देख रहे हो तो ये डॉट पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि ये इसी के अंदर का जुड़ी हुई लाइन है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो इनपुट वोल्टेज है वो VBUS वोल्टेज है, हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो रेगुलेटर सर्किट है, लेकिन उसको रेगुलेट कराने के लिए सबसे पहला वोल्टेज निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा, और ये रेगुलेट अगर यहाँ पे आपका वोल्टेज 1.8 नहीं निकलता है तो ऐसी कंडीशन में आपकी स्विचिंग चार्जर IC भी काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे इस IC के अंदर यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज देखने को मिलेंगे जो इसी IC से निकलेंगे। दूसरी एक चीज़ आपको बता दूं कि कोई कोई IC में, यानी कि इससे थोड़ी अलग नंबर की IC में, यहाँ पे आपको ये वोल्टेज 5 वोल्टेज तक अलग अलग फोन में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो जब सर्किट आएगी तब मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली अगर IC है तो इसमें डेफिनेटली आपको यहाँ पे 1.8 वोल्टेज मिलेगा, और ये 1.8 वोल्टेज सबसे पहले जाएगा कैपेसिटर में, जो कि ग्राउंड किया हुआ है, जो C1504 है, 1 माइक्रोफेराड़े का है, ठीक है। और ये 10 वोल्टेज है ये उसकी कैपेसिटी, यानी आउटपुट में 10 वोल्टेज तक का लोड ये सहन कर सकता है, उसके ज़्यादा वोल्टेज हुआ तो ये खराब हो जाएगा। तो ये जो वोल्टेज अगर कहीं पे कंपोनेंट के बाजू में लिखा है तो ये उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है, ये कैपेसिटर 10 वोल्टेज तक का सहन कर सकता है। तो हम पहले ये बना लेते हैं हमारे डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पे हमने E3 नंबर की पिन लेनी है, E3 नंबर की पिन जो है हमारी VREF है, उसके अंदर एक हमने कैपेसिटर लिया है, और वो कैपेसिटर के बाद वो लाइन जा रही आगे, तो वो लाइन आगे कहाँ जा रही है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि E3 की लाइन में यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया है, और यहाँ पे ये वोल्टेज गया है एक रजिस्टर के अंदर, जो कि 10 किलो का रजिस्टर यहाँ पे रखा गया है 1506, और ये रजिस्टर में से ये लाइन निकल के जा रही है हमारी D4 नंबर की पिन पे, यानी कि यही IC के D4 नंबर की पिन पे ये IC की लाइन में जा रहा है, जिसका नाम लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है OTG। OTG का मतलब होता है ऑन दी गो। तो इस तरह का रजिस्टर कहीं भी, यानी कि ये 1.8 वोल्टेज की लाइन है, उसमें से इस तरह का कोई रजिस्टर निकाला जाता है, यानी कि वोल्टेज की लाइन में से एक रजिस्टर निकाल के दूसरी लाइन पे दिया जाता है, तो इस रजिस्टर को बोला जाता है पुल अप रजिस्टर। ये जो रजिस्टर है ये पुल अप रजिस्टर है, जो क्या करेगा कि यहाँ से 1.8 वोल्टेज को लेगा और जो D4 नंबर की जो पिन है उसका लॉजिक हाई बना के रखेगा। तो जहाँ पे लॉजिक की बात आएगी, लॉजिक हाई और लॉजिक लो, वैसे मैंने I2C सर्किट का पूरा वीडियो डाला हुआ है, लेकिन उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ चीज़ें नहीं बताई थी, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जहाँ पे भी हम लोग बात करेंगे लॉजिक हाई की वहाँ पे 1.8 वोल्टेज आएगा, जहाँ पे हम बात करेंगे लॉजिक लो की वहाँ पे 0 वोल्टेज आएगा, ये हमेशा याद रखना। तो इस तरह के हमें दो सर्किट देखने को मिलेगी, एक पुल अप रजिस्टर होगा और एक होगा पुल डाउन रजिस्टर। तो ये वाला जो है वो पुल अप रजिस्टर है, जो कि OTG की लाइन को
1.8 वोल्टेज से पुल अप करके रखेगा, यानी कि वोल्टेज को उसके 1.8 यानी कि लॉजिक हाई बना के रखने के लिए ये रजिस्टर में, ये रजिस्टर में से होकर ये लाइन दी गई है, ताकि हमें आगे की सर्किट क्या है वो हम पहले बाद में समझेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि इस तरह का रजिस्टर अगर लगा हुआ है किसी वोल्टेज में से, अगर कोई लाइन जा रही है वोल्टेज की, उसके अंदर एक रजिस्टर लगा के उसको दूसरी लाइन पे दिया है, इसको यहाँ पे ग्राउंड नहीं किया है। अगर यहाँ पे इसको ग्राउंड किया गया होता तो ये रजिस्टर होता पुल डाउन रजिस्टर। पुल डाउन रजिस्टर क्या करता है कि अगर कोई लॉजिक हाई की लाइन जा रही है यानी कि 1.8 वोल्टेज की लाइन जा रही है, यहाँ पे एक रजिस्टर को मैं ग्राउंड करके रख दूंगा, तो इसको बोला जाएगा पुल डाउन रजिस्टर, जो इस वोल्टेज को जीरो करके रखेगा, ग्राउंड करके रखेगा, यानी कि लॉजिक लो करके रखेगा। यहाँ पे ये रजिस्टर रखा गया है लॉजिक हाई करने के लिए। तो लॉजिक हाई और लॉजिक लो ये क्या है, ये समझ में आपको आ गया होगा। किसी बंदे ने मुझसे पूछा था कि लॉजिक लो और लॉजिक हाई क्या होता है और पुल अप और पुल डाउन सर्किट क्या होती है, जो मुझे क्वेश्चन किया था, तो वो भाई को आंसर मिल गया होगा कि जहाँ पे वोल्टेज की लाइन में एक रजिस्टर को जोड़ के दूसरी लाइन में दिया जाता है, यानी कि पॉजिटिव लाइन है, ये वाली भी लाइन कौन सी है, पॉजिटिव है, ग्राउंड की लाइन नहीं है, तो इसको बोला जाएगा पुल अप रजिस्टर, और अगर ये लाइन ग्राउंड में जा रही होती तो ये बोला जाता पुल डाउन रजिस्टर। तो इस तरह से पुल अप और पुल डाउन रजिस्टर का यूज़ होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ पे मैं बोलूँगा कि लॉजिक लो तो वो हमेशा जीरो वोल्टेज होगा, और जहाँ पे मैं बोलूँगा लॉजिक हाई तो आपको 1.8 वोल्टेज समझना है। ये चीज़ आप हमेशा मोबाइल के डायग्राम में याद रखिए, क्योंकि मोबाइल के डायग्राम में एक ही फंडा चलता है, तो ये एक चीज़ आपको याद रखना। तो यहाँ पे D4 नंबर की OTG की पिन पे जा रहा है। OTG का मतलब होता है ऑन दी गो, तो कई कई फ़ोन के अंदर OTG सपोर्ट होता है, हालांकि अब तो सब फ़ोन में OTG सपोर्ट आता है, लेकिन OTG सपोर्ट डायरेक्ट CPU से आता है, लेकिन जिस फ़ोन के अंदर इस टाइप की IC लगी हो तो इसको OTG IC भी बोला जाता है, क्योंकि ये दो तरह से काम करती हो, कैसे करती हो मैं आपको आगे समझाता हूँ, लेकिन पहले हम इस लाइन को समझ लेते हैं। रेफरेंस की लाइन में एक कैपेसिटर हमने रखा और दूसरा एक रजिस्टर में से हो के D4 नंबर पे गया, तो इतनी लाइन पहले हम बना लेते हैं डायग्राम के अंदर। तो यहाँ पे E3 में से हमने एक कैपेसिटर ग्राउंड किया और वही लाइन आगे जा रही है, जिसमें हम एक रजिस्टर लगाएंगे जिसे बोलेंगे पुल अप रजिस्टर, और जिसको हमने दे दिया D4 नंबर की पिन पे, जो कि एक OTG की लाइन है। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? अब हम आगे चलते हैं कि हमारी OTG की लाइन है वो कहाँ जा रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि OTG की हमारी जो लाइन है वो यहाँ से आगे जाती है। यहाँ पे एक रजिस्टर रखा हुआ है, लेकिन NC रखा हुआ है, नो कनेक्शन है। कोई कोई फ़ोन के अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको 0 ohms का एक रजिस्टर मिलेगा, तो ये 0 ohms का रजिस्टर सिर्फ सप्लाई को सपोर्ट करने के लिए है, तो एक फ्यूजेबल रजिस्टर की तरह होता है। यहाँ पे कोई कोई फ़ोन में होता है, कोई कोई फ़ोन में नहीं है। यहाँ पे NC रखा है तो यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं है, लेकिन इसी IC की दूसरी सर्किट आप देखोगे तो यहाँ पे 0 ohms का रजिस्टर आपको देखने को मिल सकता है। और फिर ये लाइन जाती है DRV बस में। तो ये DRV बस क्या होता है? तो ये DRV बस होता है CPU, यानी कि CPU के अंदर ये लाइन जाती है। हम देख लेते हैं कि DRV बस की लाइन हमारी कहाँ जा रही है। तो ये हमारा CPU आ गया 6739। तो ये एक CPU के अंदर हमारी लाइन जा रही है DRV बस, जो कि CPU के AE4 नंबर पे जा रही है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं CPU, उसके बाद हम आगे की सर्किट को समझते हैं। यहाँ पे हमने एक ये CPU बना लिया। तो CPU में ये जो हमारी लाइन जाती है OTG वाली, वो CPU के अंदर जाती है। दोस्तों CPU के अंदर उसका डेटा शीट अगर आप देखोगे 6739 का, तो यहाँ पे एक MOSFET लगा होगा। ये MOSFET के अंदर ये इसकी लाइन जाएगी, और वो कैसे जाएगी और कैसे काम करेगी उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ से हम एक लाइन निकालते हैं और ये CPU में लेके जाते हैं पहले। तो ये लाइन हमने लेके गए CPU के अंदर, जिसका नाम है DRV बस। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो हमारी लाइन है ये एक जाती है MOSFET के अंदर। अब ये MOSFET कैसे काम करता है और कैसे इसका OTG यूज़ होता है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमने E3 नंबर की पिन पे से एक वोल्टेज निकाला जो कि 1.8 वोल्टेज था, जिसको हमने दिया OTG की लाइन में, यानी कि पुल अप करा के, यानी कि यहाँ पे जो लॉजिक लो था उसको इस रजिस्टर के द्वारा हमने लॉजिक हाई किया, यानी कि यहाँ पे भी 1.8 वोल्टेज आ गया। दोस्तों अगर ये रजिस्टर नहीं होगा तो यहाँ पे ये आपका 1.8 नहीं बनेगा, तो ये रजिस्टर आपका कंपलसरी ज़रूरी है, क्योंकि ये पुल अप करके रखेगा इस लाइन को। अब ये लाइन में से 1.8 वोल्टेज यहाँ से चलते चलते इस MOSFET पे गया, तो अब ये MOSFET जो हुआ हमारा, वो हमारा एक समझ लीजिए कि पी चैनल MOSFET है, क्योंकि इसका जो ड्राइव है
मतलब उसका जो ड्रेन है, सॉरी, वो ड्रेन जुड़ा हुआ है पॉजिटिव के साथ, यानी कि ये डायोड का जो पॉजिटिव सिरा है वो सिरा यहाँ पे डी के साथ यानी ड्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, और ये है उसका सोर्स, सोर्स उसका कर दिया है ग्राउंड, और ये हो गया इसका गेट, यानी कि इसके गेट पे अगर हम वोल्टेज देंगे, क्योंकि ये एक पी चैनल मॉस्फेट है, तो पी चैनल मॉस्फेट का फंडा हमेशा याद रखना कि पी चैनल मॉस्फेट जो होता है वो पॉजिटिव वोल्टेज से ऑपरेट होता है, तो पॉजिटिव वोल्टेज से उसको करना है, सॉरी नेगेटिव वोल्टेज से ऑपरेट होता है, तो अगर नेगेटिव वोल्टेज से उसको ऑपरेट करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये हम समझ लेते हैं कि इसकी लाइन दी जाती है आईडी लाइन के अंदर, ये लाइन कहाँ दी जाती है, आईडी लाइन के अंदर। तो अभी यहाँ तक हमने वोल्टेज दिया हो 1.8 वोल्टेज आ रहा था, जब तक इसका गेट ऑपरेट नहीं होगा तब तक यहाँ पे 1.8 वोल्टेज रहेंगे, लेकिन अगर इसके गेट को हम ड्राइव कराएंगे तो ये मॉस्फेट हमारा हो जाएगा क्लोज सर्किट, और यहाँ से जो वोल्टेज हमारे जाएंगे वो जाएंगे ग्राउंड में। अगर वोल्टेज ग्राउंड में जाते हैं तो वोल्टेज बन जाते हैं जीरो, यानी कि बन जाता है लॉजिक लो। तो यहाँ पे हमने जो लॉजिक हाई बना के रखा था, अगर इस गेट को हम ऑपरेट कराएंगे तो ये जो हमारा वोल्टेज है वो यहाँ से ग्राउंड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इस वोल्टेज को जीरो कर देगा, यानी कि लॉजिक लो कर देगा, और लॉजिक लो करेगा तो ओटीजी मोड में ये आईसी आ जाएगी, और ये ओटीजी मोड में कैसे आएगी वो समझ लेते हैं, क्योंकि इसका लाइन, इस मॉस्फेट का लाइन जुड़ा हुआ है आईडी लाइन से। मैंने बताया था आपको दोस्तों कि इस फोन के अंदर आईडी लाइन का है काम, तो इसमें इसके लिए मैंने आईडी की लाइन बनाई है यहाँ पे। तो आईडी की लाइन में क्या होता है कि जब हम ओटीजी लगाते हैं तो ओटीजी कहाँ लगता है, हमारा चार्जिंग सॉकेट के अंदर। तो ओटीजी अगर आप तोड़ के देख लोगे तो ओटीजी के अंदर कोई कंपोनेंट नहीं होता है, ओटीजी के अंदर सिर्फ एक वायर शॉर्ट किया होता है जो कि हमारी आईडी लाइन को ग्राउंड के साथ शॉर्ट करता है, यानी कि आईडी लाइन पे आपको जनरल कंडीशन में 1.8 वोल्टेज मिलेंगे जो सीपीयू से मिलेंगे। अगर आप इस वाली आईसी की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे में जिसमें सीपीयू सपोर्टेड ओटीजी है, जिसमें चार्जिंग आईसी में ओटीजी का सपोर्ट नहीं है, उसमें नहीं, जिस फोन के अंदर इस टाइप की आईसी लगी हुई है, यानी कि इसको ओटीजी सपोर्टेड आईसी बोलते हैं, इसके अंदर इसका जो आईडी पॉइंट है वो आईडी पॉइंट पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलेगा, और जब इसको आप ग्राउंड करोगे यानी कि जब आप ओटीजी लगाओगे तो ओटीजी के अंदर एक शॉर्टिंग होता है और कुछ नहीं होता है। मैं यहाँ पे आपको पेन लेके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे ये पेन लिया हमने, यहाँ पे ये जो दो, हम जब ओटीजी लगाते हैं तो क्या होता है, ये दो पॉइंट के बीच में शॉर्टिंग होती है। जब ये दो पॉइंट के बीच में शॉर्टिंग होती है तो हमारा जो ये 1.8 वोल्टेज है वो ग्राउंड हो जाता है, और सीपीयू उसका ट्रिगर लेता है, और सीपीयू जब ट्रिगर लेता है तो इस मॉस्फेट को ट्रिगरिंग करता है, और ये मॉस्फेट जब ट्रिगर होता है तो यहाँ पे हमारा जो हाई वोल्टेज था, यानी कि जो लॉजिक हाई था वो लॉजिक लो हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो वोल्टेज है इसमें से पास होना शुरू हो जाएगा और ग्राउंड होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जीरो वोल्टेज हो जाएगा, और ये हमारी जो आईसी है वो ओटीजी मोड में चली जाएगी, यानी कि आईसी ऐसा समझेगी, सीपीयू ऐसा समझेगा कि यूजर्स ने चार्जर निकाल लिया है और ओटीजी लगा दिया है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका वोल्टेज का जो लेवल है वो पूरा चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज हो जाएगा मैं समझा देता हूँ आपको, कि पहली चीज कि जब हम चार्जर लगाते हैं तब यहाँ हमारे 5 वोल्टेज आ रहे हैं, ये पूरी लाइन पे वीबस की लाइन पे 5 वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं। फिर पीएमआईडी पे भी हमें कितना वोल्टेज मिल रहा है, 5 वोल्टेज मिल रहा है, जो कि एक ओईपी सर्किट के बाद का वोल्टेज है। उसके बाद स्विचिंग वोल्टेज पे हमें 4.2 वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने लगाया हुआ है एक बक कॉयल, और बक कॉयल में से वो वोल्टेज हमारा जा रहा है कनेक्टर पे, यानी हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है। अगर हम चार्जर निकाल लेते हैं और ओटीजी लगा देते हैं तो ये दोनों पिनें शॉर्ट हो जाएगी, और यहाँ से ये ओटीजी का ट्रिगर ले लेगा सीपीयू, और ये चार्जिंग आईसी को भी जीरो वोल्टेज यहाँ जब हो जाएगा, एक लॉजिक लो हो जाएगा, तो ये जो आईसी है ये उल्टा काम करना चालू कर देगी। उल्टा काम करना कैसे चालू कर देगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो ओटीजी लगाया है उसके अंदर हम लगाते क्या है, एक पेन ड्राइव। तो हमारी पेन ड्राइव चलती है कितने वोल्टेज पे चलती है, 5 वोल्टेज पे। तो इसको चलने के लिए 5 वोल्टेज चाहिए, यानी कि जो पॉजिटिव है यहाँ के, यहाँ का वो चार्जिंग का, यहाँ पे 5 वोल्टेज कहाँ से आएंगे, तो वो 5 वोल्टेज आएगी हमारी बैटरी से। तो हमारी यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, तो हमारी बैटरी में से ये वोल्टेज, अब वोल्टेज यहाँ से उल्टा चालू होना शुरू हो जाएंगे। वो कैसे हो जाता है मैं आपको समझा देता हूँ, कि जब हमने ओटीजी लगा दिया और ओटीजी को जो 5 वोल्टेज की ज़रूरत है वो हमें बैटरी से मिलेगा, क्योंकि इस वक्त हमने चार्जर नहीं लगाया है, इस वक्त हमने यहाँ पे क्या लगाया है, ओटीजी। तो चार्जिंग का ये हमारा पूरा सेक्शन बने, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग के दरमियान ही आपको 5 वोल्टेज मिलेगा, इसके अलावा तो आपको मिलेगा नहीं। पीएमआईडी पे आपको कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने चार्जर नहीं लगाया है। तो ओटीजी का जो सब काम करने के लिए जो 5 वोल्टेज चाहिए, वो वोल्टेज यही वाली आईसी देगी। वो कैसे देगी वो मैं आपको समझा देता हूँ, कि हमारे चार्जिंग की सप्लाई में से 4.2 वोल्टेज आएंगे, जो जाएंगे करंट सेंस रजिस्टर में से होके ये सीधा जाएंगे बक कॉइल में।
ये हमारी लाइन बन गई इस तरह से। तो ये बक कोयल जो है ये अब काम करेगी बूस्ट का, क्योंकि ये यहाँ पे सर्किट जो है हमारी वो डिफरेंस हो गई। तो ये जो बक कोयल है वो भी यहाँ पे बूस्ट कोयल का काम करेगी, और हमारी बैटरी का 3.6 हो चाहे 4.2 हो, इस वोल्टेज को वो 5 वोल्टेज में कन्वर्ट करेगी और इस सप्लाई के अंदर देगी, क्योंकि ये सप्लाई हमारी ये सप्लाई है। तो PMID पे भी आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे 5 वोल्टेज मिलेगा जब आप OTG लगाओगे तब। तो इतनी सर्किट आपको समझ में आ गई कि जब हम OTG लगाते हैं तो हमारी स्विचिंग सप्लाई है वो उल्टा काम करना शुरू कर देगी, और इसका जो 3.6 या 4.2 वोल्टेज था उसका 5 वोल्टेज बना के वो वोल्टेज यहाँ पे आपको PMID पे शो कर देगी। अब ये IC PMID में से जो MOSFET में से काम करेगी तो ये MOSFET में से सप्लाई जाएगी VBUS पे, और ये वाली सप्लाई आपकी जाएगी यहाँ पे। तो ये सप्लाई आपकी मिलेगी लास्ट में, आपको कहाँ मिलेगी, आपके चार्जिंग कनेक्टर पे, यानी कि यहाँ से ये यहाँ जाएगी और ये लाइन यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगी और यहाँ पे आपका चार्जिंग कनेक्टर ले लेगा। तो यहाँ पे आपका जो OTG काम करने के लिए जो वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी वो अब रिवर्स वोल्टेज बना के, यानी कि कम, यहाँ पे पहले काम क्या था वो एम्पियर बढ़ा रहा था जो बक कोयल था, अब ये बन गया बूस्ट कोयल। मैंने बोला ना आपको कि बक कोयल बूस्ट कोयल दोनों सेम ही होता है, खाली सर्किट चेंज होती है उसका, तो उसका वर्किंग चेंज हो जाता है। यहाँ पे सर्किट चेंज हो गई तो सर्किट का काम उल्टा हो गया, अब तक ये एम्पियर बढ़ा रहा था, अब ये वोल्टेज बढ़ा के यहाँ पे दे रहा है और आपका OTG यहाँ पे चालू हो गया। तो ये एक सर्किट इसमें अंदर काम करती है। इस फोन के अंदर मैंने जो ज़्यादातर प्रॉब्लम देखा है वो इस रजिस्टर को लेके देखा है, कि इस रजिस्टर की वैल्यू चेंज हो जाने से या रजिस्टर ओपन हो जाने से आपका कंडीशन क्या बनेगा, ये आप समझ लीजिए। दो चीज़ें हो सकती है, एक तो आपका ये E3 नंबर का डॉट है VREF वाला ये अगर यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है, सपोज ये कैपेसिटर यहाँ पे आपका शॉर्ट हो गया है तो यहाँ वोल्टेज कितना बन गया, जीरो। तो ऐसी कंडीशन में आपका यहाँ पे जो पुल अप सर्किट है वो भी फेल हो गया, यानी कि OTG के लाइन पे आपका क्या हो गया, जीरो। तो OTG जो ट्रिगर लेगा वो कौन सा लेगा, लॉजिक लो का, और आपका CPU भी जो ट्रिगर लेगा वो कौन सा लेगा, लॉजिक लो का। तो आपका फ़ोन जो है वो OTG मोड में ऑटोमेटिकली चला गया। अब ऐसी कंडीशन में आप चार्जर लगाते हो तो आपका चार्जिंग शो नहीं करेगा, तो ये एक प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपने पूरी सर्किट चेक कर ली, पूरा चार्जिंग सेक्शन आपने चेक कर लिया, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप OTG वाली या VREF वाली लाइन चेक करो, क्योंकि ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका वोल्टेज जीरो हो जाएगा, यानी कि लॉजिक लो हो जाएगा, आपका CPU और चार्जिंग IC दोनों लॉजिक लो का ट्रिगर ले लेगा, और ऐसी कंडीशन में आपका फ़ोन OTG मोड में चला जाएगा, और आप चार्जर लगाओगे तो चार्जर रिस्पॉन्ड करेगा नहीं, क्योंकि इसकी स्विचिंग सर्किट बंद हो गई है, ये उल्टा काम करना चालू कर दिया है। अगर ये रजिस्टर यहाँ से ओपन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी, यानी कि आपका लॉजिक हाई है वो लॉजिक लो हो गया, आपके CPU ने OTG का ट्रिगर ले लिया है और आपका फ़ोन चला गया है OTG मोड में, ऐसी कंडीशन में आपका चार्जिंग नहीं होगा। तो ये एक सर्किट आपको देखने को मिलती है, और ये एक वाला फॉल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अब हम आगे चलते हैं और दूसरे फॉल्ट को देखते हैं, तो इसको मैं पहले निकाल देता हूँ, सारा डिलीट कर देता हूँ, और फिर हम दूसरी इसकी लाइन देखते थे। दोस्तों आज ये वीडियो में आपको मैं पूरा ख़त्म करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि अभी दो वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे, तो तीसरा वीडियो भले चाहे लंबा हो जाए थोड़ा, लेकिन ये पूरी सर्किट में आपको आज समझा दूंगा। तो हम चलते हैं पहले डायग्राम के अंदर, तो डायग्राम के अंदर हम वापस से DRB बस हम टाइप करते हैं, तो हम वापस वहीं जाएंगे। DRB बस हमने टाइप किया तो हम वापस से हमारी चार्जिंग IC पे आ गए, यानी कि इतनी कनेक्शन हमने देख ली। अब हम देख लेते हैं CD। CD क्या होता है, CD का मतलब होता है चार्जिंग डिसेबल, यानी कि ये जो लाइन है ये चार्जिंग इनेबल और डिसेबल की लाइन है। यहाँ पे लिखा है EINT, यानी कि इनेबल इंटरप्ट, इसका मतलब होता है इंटरप्ट, इंटरप्ट करना यानी दखलंदाजी करना, यानी कि ये कैसे काम करता है मैं आपको समझा देता हूँ। ये INT की लाइन इसको बोलते हैं, और INT की लाइन अगर आप CPU में सर्च करोगे तो आपको कम से कम 10 सिग्नल मिलेंगे जो INT के सिग्नल होंगे, और हर सर्किट के अंदर INT सिग्नल अलग अलग तरीके से काम करता है। ये एक इंटरप्ट सर्किट होती है, यानी कि इंटरप्ट सिग्नल होता है, जिसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि वोल्टेज की लाइन के अंदर है, जिसको यहाँ पे ग्राउंड कर दिया है। यहाँ पे आपको 2.8 वोल्टेज CD की लाइन पे देखने को मिलेंगे, ये 2.8 वोल्टेज को यहाँ पे एक रजिस्टर के द्वारा
ग्राउंड किया गया है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पुल डाउन रजिस्टर। ये जो पुल डाउन रजिस्टर है ये बहुत हैवी वैल्यू का है, 477 किलो ओम्स का है, यानी कि हैवी वैल्यू का रजिस्टर है जो कि हमारे हाई वोल्टेज की लाइन को लो करके रखेगा। यानी कि ये अगर चार्जिंग की कंडीशन में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें जीरो वोल्टेज मिलेगा। अगर जीरो वोल्टेज मिलता है तो हमारी चार्जिंग सर्किट प्रॉपरली काम कर रही है। अगर ये वोल्टेज यहाँ पे हाई वोल्टेज आपको देखने को मिलता है तो समझ लीजिएगा आपकी स्विचिंग सर्किट में कोई गड़बड़ है। वो कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ ये जो वाली लाइन है ये जाती है हमारी सीपीयू के अंदर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सीपीयू के अंदर हमारी लाइन आई है। तो ये डीआरयू वाली बस हमने जो आगे की लाइन देखी उसके बिल्कुल नीचे ही है ये। तो ये वाली जो लाइन है ये चार्जिंग इंटरप्ट की लाइन है, कि यानी कि ये लाइन क्या काम करती है कि जब हम जैसे हमारी जो सर्किट होती है यानी कि हमारी जो चार्जिंग की आईसी होती है उसको सीपीयू जो है वो डेटा और क्लॉक की लाइन से, हमने आई टू सी सर्किट में समझा था कि उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को रीड करता है, उसके सारे कंट्रोल को रीड कर रहा है कि सारी आईसी प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर हमारी चार्जिंग आईसी में कोई भी गड़बड़ होगी तो ऐसी कंडीशन में ये वाली जो पिन है ये सीपीयू की पिन है जिसे वो लॉजिक हाई कर देगा। लॉजिक हाई कर देगा तो वहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाएंगे और आपका चार्जिंग वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, यानी आपकी आईसी काम करना बंद कर देगी। तो इस तरह का काम होता है उसके अंदर। तो इसको हम बना लेते हैं पहले, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ई टू की लाइन में एक सी डी की लाइन है जो हमारी यानी कि चार्जिंग डिसेबल की, जिसमें एक रजिस्टर को पुल डाउन किया है, ग्राउंड किया है और वो वोल्टेज वो गई है हमारी इंटरप्ट सर्किट में, यानी कि सीपीयू के इंटरप्ट सर्किट में। यानी कि हमारी चार्जिंग आईसी के अंदर कोई भी गड़बड़ होती है या कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट होता है या कोई करंट सेंस सेट हो शॉर्ट हो गया या कुछ भी कहीं भी लाइन में कहीं गड़बड़ हो गई, तो ऐसी कंडीशन में सीपीयू इसका डिसेबल का ट्रिगर दे देगा और ये आईसी को काम कराना बंद कर देगा। तो अगर ये लाइन में कहीं गड़बड़ होती है तो भी आपका चार्जिंग बंद हो सकता है। तो ये लाइन में अगर गड़बड़ होगी तो आपका चार्जिंग एक सेकंड थोड़ी देर के लिए चालू होगा और फिर बंद होगा। अगर आप यूएसबी जो चार्जर मैंने आपको बताया मल्टी चार्जर वो अगर आप यूज़ करोगे स्मार्ट चार्जर का, तो अगर इसका सीडी लाइन का अगर प्रॉब्लम होगा तो आपके फ़ोन में चार्जिंग दिखाएगा थोड़ी देर के लिए, 0.6 एम्पियर लेगा और फिर फट से वो जीरो वोल्टेज हो जाएगा, यानी कि एम्पियर लेना वो बंद कर देगा, वोल्टेज लेना भी वो बंद कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है, या तो इसका जो रजिस्टर है वो ओपन हो जाता है या आपका ये रजिस्टर का वैल्यू चेंज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर चार्जिंग का डिसेबल का ट्रिगर ले लेता है सीपीयू। इसके अलावा अगर आईसी में कहीं कोई गड़बड़ है तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी वो आपका चार्जिंग डिसेबल का ट्रिगर ले लेगा और आपका चार्जिंग सर्किट को क्लोज करा देगा सीपीयू। तो इतनी सर्किट है, आपको समझ में आ गई होगी। अभी हमारे पास 1, 2, 3 डॉट अभी देखना बाकी है, तो फटाफट से देख लेते हैं हम 3 डॉट को। तो पहले हम समझ लेते हैं क्लॉक की सर्किट को, और पहले हम वापस जाते हैं वहाँ पे, यानी कि तो चार्जिंग आईसी पे हम आ गए। तो यहाँ पे हमारी जो लाइनें बची है उसमें हमने सीडी समझ लिया, ओटीजी समझ लिया, एक स्टेटस बाकी है और एसडी और एससीएल यानी कि डेटा और क्लॉक। मैंने आपको जैसे दोस्त बताया था कि आई टू सी सर्किट के अंदर कि हर जितनी भी आईसी अभी जो आ रही है वो सारी की सारी आईसीयां और एसडी और एससीएल में आती है, यानी कि डेटा और क्लॉक की लाइन से उसको आई टू सी सर्किट के जरिए उसको ऑपरेट किया जाता है। ये दोनों लाइनें भी हमेशा सीपीयू के अंदर जाती है। इसको हम कर लेते हैं, ये कहाँ पे जा रही है तो हम देखते हैं। यहाँ पे भी एससीएल जा रहा है। एससीएल तो बहुत जगह पे जा रहा होगा, लेकिन उसमें मेन सर्किट जो होगी उसमें दो रजिस्टर लगाएंगे होंगे में से लगा के उसको यहाँ पे दिया गया होगा, जो कि यहाँ पे क्लॉक की लाइन में यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये वाली क्लॉक की लाइन है, उसके बिल्कुल नीचे डेटा की लाइन है। ये दोनों लाइनें पावर सीपीयू के अंदर जाती है, जो कि हमारा सीपीयू का नंबर है कौन सा, MT6739। तो ये दो लाइन पहले हम बना लेते हैं, फिर हम आगे की लाइन समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा A4 और D4 ये दोनों जो लाइन है वो डेटा और क्लॉक की लाइन है, जो कि सीधी डायरेक्ट जाती है सीपीयू के अंदर। इसके अंदर दो रजिस्टर लगे होते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पे नहीं बनाए हैं, लेकिन डेटा और क्लॉक की लाइन में हमेशा दो रजिस्टर लगे रहते हैं और वो एक पीएमयू वोल्टेज लेके 1.8 वोल्टेज लेके इस लाइन को लॉजिक हाई करके रखते हैं। तो इस तरह का आपको सर्किट देखने को मिलेगा। तो ये डेटा और क्लॉक का काम क्या होता है, ये पूरी सर्किट को रीड करना और उसकी इंफॉर्मेशन देना सीपीयू को।
ताकि आपका सर्किट प्रॉपरली काम कर रहा है ये सीपीयू को पता चले। अगर यहाँ से कोई भी एरर लेता है तो ऐसी कंडीशन में वो सीपीयू को एरर डेटा और क्लॉक के माध्यम से मिलती है और वो यहाँ से चार्जिंग बंद करा देता है। तो इस तरह से हमारी पूरी सर्किटें काम करती है। अब हमारा एक पॉइंट बाकी है जो मैं आपको समझा देता हूँ कि वो वाला कौन सा है। यहाँ से हम रिटर्न जाते हैं, ये आ गए हमारी सर्किट पे वापस। अब जो हमारा बचा है वो है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है स्टेटस। ये वाली जो लाइन है वो स्टेटस की लाइन है। तो स्टेटस की लाइन के अंदर हम देखें तो यहाँ पे एक लाइन गई है एक रजिस्टर में से होके। ये लाइन हमारी कहाँ जा रही है, इसको हम फाइंड करते हैं। स्टेटस लिखा हुआ है तो ये लाइन जा रही है हमारी यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे ये लाइन के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे दो मोसफेट का स्विचिंग सर्किट बनाया हुआ है। यहाँ पे दो मोसफेट है उसकी स्विचिंग सर्किट बनाई गई है और इस स्विचिंग सर्किट में से एक लाइन दी गई है एलईडी को, यानी कि एक यहाँ पे एलईडी लगाई हुई है, लाइट लगाई हुई है जिसको एक वीबैट सप्लाई मिल रही है जो कॉन्स्टेंट मिल रही है। यानी कि आप बैटरी लगाओगे तो ये एलईडी पे आपको बैटरी का वोल्टेज शो कर देगा, लेकिन उसका जो कैथोड है वो एक मोसफेट के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि उसका जो माइनस है वो जब मिलेगा, जब वो लाइट काम करेगी तो वो लाइट क्या होती है पहले वो समझा देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों हमने बहुत सारे फ़ोन के अंदर देखा है कि डिस्प्ले के ऊपर या नीचे की डिस्प्ले के एग्जैक्ट नीचे बॉर्डर पे कहीं पे एक लाइट होती है। जब हम चार्जर लगाते हैं तो वो लाइट ब्लिंक होती है और फिर वो स्टॉप हो जाती है, यानी कि वो कॉन्स्टेंट चालू रहती है। तो ये एक स्टेटस इंडिकेशन है। स्टेटस इंडिकेशन यानी कि अगर आपका फ़ोन जैसे चार्जिंग बिल्कुल उतर गया है तो ऐसी कंडीशन में आप चार्जर लगाते हो तो वो जो लाइट है वो पहले ब्लिंक करेगी और फिर वो स्टेबल हो जाएगी, यानी कि वो कॉन्स्टेंटली लाइट देना चालू हो जाएगी। कई कई बार ऐसा होता है कि आपकी बैटरी अगर लो हो गई है ज़्यादा तो आपका लोगो शो नहीं करेगी, यानी कि डिस्प्ले पे आपको चार्जिंग का लोगो शो नहीं करेगा। हालांकि बहुत लोगों को ये लाइट का पता नहीं होता है, उनको सिर्फ इतना पता होता है कि ये चार्जिंग दिखाता है, लेकिन ये कैसे दिखाता है उसको यूज़र्स के लिए है वो, कि यूज़र्स ऐसा समझता है कि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है तो केबल ख़राब है या चार्जर ख़राब है, क्यों चार्जिंग नहीं पकड़ रहा है। लेकिन अगर आपकी लाइट ब्लिंक होना बंद हो गई तो इसका मतलब कि आपका फ़ोन चार्जिंग हो रहा है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डिस्प्ले पे लोगो नहीं आ रहा है तो इसकी वजह है कि आपकी बैटरी ज़्यादा लो हो गई है। अगर आपकी बैटरी पे वो इंडिकेशन चालू रहता है यानी कि उसका ब्लिंकिंग चालू रहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके फ़ोन में चार्जिंग की कोई एरर है जिसकी वजह से वो एलईडी ब्लिंक हो रही है। तो उसके लिए स्टेटस के लिए एक एलईडी का सर्किट बनाया होता है जो दो मॉसफेट के द्वारा बनाया गया होता है और उसकी लाइन जो होती है वो सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती है, यानी कि उसको वीबैट सप्लाई तो दी जाती है लेकिन उसका जो मेन कनेक्शन होता है वो सीपीयू के साथ होता है। सीपीयू के साथ कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो करेंगे तो यहाँ पे ये वोल्टेज आ गई GPIO SWEINT। तो ये क्या काम करती है इसके बारे में पहले इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। फुल फॉर्म इसका बहुत थोड़ा लंबा है तो आप थोड़ा इसको समझ लीजिए कि इसका मतलब होता है जनरल पावर इनपुट आउटपुट स्विचिंग इनेबल इंटरप्ट। तो ये एक तरह की सप्लाई है कि जो सीपीयू को मिलती है और सीपीयू से ये सप्लाई निकलती है और वो लाइट पे जाती है ताकि जब हमारे चार्जिंग का कोई एरर अगर शो करता है तो ऐसी कंडीशन में उस मॉसफेट की सर्किट के द्वारा उस एलईडी को ब्लिंक कराया जाता है। क्योंकि उस मॉसफेट की जैसे मैंने आपको बताया कि जिसमें एक बैटरी का सर्किट लगता है और उसके अंदर एक मॉसफेट लगाया जाता है कि जो मॉसफेट की सप्लाई ऑन होती है तो ब्लिंक होना शुरू होता है जो कि यहाँ से मिलती है सीपीयू में से। तो अगर कोई सीपीयू एरर रीड करता है यानी कि कोई अगर यहाँ पे आपके चार्जिंग सर्किट में कोई गड़बड़ करता है तो ऐसी कंडीशन में ये जो सप्लाई है इसको अप डाउन कराएगा, यानी कि लॉजिक हाई लॉजिक लो कराएगा, जिसकी वजह से आपका एलईडी ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी चार्जिंग सर्किट में कोई एरर है। दोस्तों कई कई फ़ोन के अंदर ये वाली सब जो आईसी के अंदर नहीं होती है, यानी कि स्टेटस की जो पिन होती है वो चार्जिंग आईसी के नहीं अंदर होती है, सीधी सीपीयू से कनेक्टेड होती है। लेकिन बहुत सारे फ़ोन के अंदर चार्जिंग के अंदर भी इसका कनेक्शन होता है, जैसे ये आईसी के अंदर इंटर जो स्टेटस की लाइन है वो ये चार्जिंग आईसी के साथ कनेक्टेड है। तो अगर कई बार ऐसा आपके पास फ़ोन आता है कि जिसमें पूरा आपका सॉफ्टवेयर डेड है लेकिन आपका चार्जिंग आईसी ओके होगा, तो
तो ऐसे कंडीशन के अंदर आपको ये लाइट ब्लिंक करती हुई दिखेगी। और कई बार हमारे पास कस्टमर आके बोलते हैं कि मेरा फ़ोन चार्जिंग तो ले रहा है, चालू है, खाली डिस्प्ले नहीं आ रही है। तो लगता है कस्टमर को, आप इसको सीपीयू आप पूरा डेड हो गया होगा ना, आपका पावर आईसी आप निकाल लोगे ना तो भी ये लाइट ब्लिंक करेगा। आप पावर आईसी निकाल लो, आपका सीपीयू डेड है, आपका ईएमएमसी डेड है, पूरा बोर्ड डेड होगा, सिर्फ आपका पावर आईसी ओके होगा ना तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका लाइट ब्लिंक करेगा। तो ये एक स्टेटस की लाइन होती है, तो ये हम बना लेते हैं यहाँ पे, जो कि C4 नंबर की पिन पे है। C4 नंबर की पिन में से ये सप्लाई जाती है एक मॉसफेट के अंदर, और वो मॉसफेट जुड़ा हुआ होता है एक एलईडी के साथ। एलईडी पे यहाँ पे एक सप्लाई दी जाती है वीबैट की, और उसमें एक रजिस्टर लगा के ये दोनों के बीच में एक सप्लाई दी जाती है, और इसका एक सिरा ग्राउंड होता है और एक सिरा उसका आता है सीपीयू के अंदर से, जो कि सीपीयू इसको जब आपका चार्जिंग स्टेबल हो जाएगा तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट लॉजिक हाई कर देगा, ताकि आपके लॉजिक लो कर देगा, जिसकी वजह से आपकी ये एलईडी ब्लिंक करना बंद कर देगी और आपकी एलईडी कॉन्स्टेंट चालू रहेगी। और अगर सीपीयू को एरर कोई शो करता है इसके अंदर, तो यहाँ पे ये एलईडी को लॉजिक हाई लॉजिक लो ऐसा देता रहेगा और उसकी सप्लाई को कॉन्स्टेंट चालू बंद करता रहेगा, ताकि आपकी जो एलईडी है वो चालू बंद होती रहे और आपको पता चले कि यहाँ पे चार्जिंग को लेकर कोई एरर है। तो दोस्तों, एक स्टेटस की छोटी सी लाइट के लिए भी इतनी सर्किट फोन के अंदर लगती है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आगे हमें और देखनी है, बहुत सी सर्किट अभी और देखनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये सेक्शन की पूरी पिन मैंने समझा दी है, तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और दूसरा एक मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि भाई आपका कोई बैच चालू हुआ हो तो हमें एडमिशन लेना है। फिलहाल मैंने उनको बोला था कि अभी कुछ दिन रुक जाइए, क्योंकि मेरा वीडियो का थोड़ा काम चालू था, इसके लिए मैं अभी एडमिशन कोई नहीं ले रहा था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ 20 तारीख से मैं एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि ऑनलाइन इसी तरह से आपको अलग अलग वीडियो, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से आप सीख सकते हो तो डेफिनेटली आप जुड़िए मेरे से, आप मेरे को फ़ोन करिए, मैसेज करिए, जिसके अंदर मैं आपको पूरा कोर्स का डिटेल आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे है। तो इस तरह से आप कोर्स कर सकते हो ऑनलाइन, और जिसके अंदर मैं आपको इसी तरह के वीडियो आपको दिखाऊंगा, और जिसके अंदर आपको पूरा मैं आपको एनिमेटेड तरीके से आपको पूरी सर्किट समझाऊंगा। इसके अलावा सर्किट बोर्ड के अंदर भी मैं आपको पूरे वोल्टेज कहाँ कहाँ कितना वोल्टेज मिलता है, स्टैंड बाय कंडीशन में कितना वोल्टेज मिलेगा या वर्किंग कंडीशन में कितना वोल्टेज मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, सारे सेक्शन में इसी तरह से समझाऊँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है और आप चाहते हो कि आगे आपको सीखना है और ऐसी सारी सर्किटें आपको समझना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि चार्जिंग की सिर्फ हमारी दूसरी सर्किट है, हमने सिर्फ दो ही सर्किट अभी तक देखी है और ऐसी तकरीबन और 7 से 8 डिजाइन और है, तो चार्जिंग सॉकेट सेक्शन ही काफ़ी लंबा है। तो इस तरह का जितने भी सेक्शन है मैंने इसी तरह से इसको बनाया हुआ है, हालांकि उसमें वॉइस देना सिर्फ मेरा बाकी है, बाकी पूरा प्रेजेंटेशन मेरा रेडी है। तो आप अगर ज्वाइंट हो गए तो इसको मैं पूरा आपको जूम के जरिए भी समझाऊंगा, और मेरी वेबसाइट की लिंक भी आपको मिलेगी जिसमें ये सारे वीडियो आपको मिलेंगे, तो आप उसको 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार देख सकते हो, क्योंकि जूम में कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो ऐसी कंडीशन में आपका जूम क्रैश कर जाता है और आपको प्रॉपर सुनाई नहीं देता है, और फिर आप दूसरी बार अगर जूम मीटिंग में एंटर हो जब तक कुछ चीज़ें समझ में आपको नहीं आती है, वो चली गई होती है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, कोई भाई वॉइस का डिफरेंस हो जाता है कई बार। तो आपको प्रैक्टिकली भी मैं सिखाऊंगा, जूम पे भी सिखाऊंगा, और प्लस आपको मैं अपनी वेबसाइट का एक्सेस भी दूंगा, जिसके अंदर आपको ये सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो 20 तारीख से मैं सोच रहा हूँ ये बैच चालू करने का, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और आपको सीखना है तो आप एक बार मुझे कॉल करके आप अपना नाम लिखा देना, क्योंकि मैं ज़्यादा स्टूडेंट अभी नहीं लूँगा, 10-15 स्टूडेंट से हम स्टार्ट करेंगे और उतने ही स्टूडेंट लेके हम पहले शुरू करेंगे एक बैच, और फिर आप देखिए आपको जैसे समझ में आता है वैसे आप कर सकते हो। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉल कर लेना, तो मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इसका दे दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम, बाकी आगे ऐसे एक्साइटिंग वीडियो तो मैं आपको देता रहूँगा, लेकिन अगर आप एडमिशन लेते हो तो इसका आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा और सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ कुछ वीडियो मैंने दिए हैं लेकिन कुछ कुछ वीडियो अभी भी इसके अंदर मैंने नहीं है, कुछ कुछ सर्किटें मैंने समझाई है लेकिन अभी बहुत सारी सर्किटें इसके अंदर नहीं है। अगर आपको पूरा समझना है तो आप एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल मैं आपको बताऊँगा, और हम उसका टाइम टेबल कैसे रहेगा वो भी आपको मैं समझाऊँगा। मैं उसमें आपको एक वीडियो दूंगा, वो वीडियो आप देख लो, फिर बाद में वही वीडियो मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा, उसको डिस्क्राइब करूंगा, जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, आपका जो भी क्लियरिफिकेशन होगा वो भी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा,
तो आप अगर चाहते हो कि आपको ज़्यादा कुछ सीखना है या ज़्यादा नॉलेज लेना है, जिसमें आपको डेटा शीट का भी और डायग्राम सर्किट रीडिंग का भी नॉलेज आपको मिलेगा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर पे भी हमारा अभी काम चालू है, जिसकी इसके साथ सॉफ्टवेयर का कोर्स भी आपका पूरा रहेगा, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी सपोर्ट है वो भी आपको आगे चल के मिलेगा। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर मैं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक गुड बाय।